जिसलिए स्वरा हलवे में जहर मिला देती हैं जिससे कि वो खा के कोयल को हार्ट अटैक आ जाए। स्वरा कोयल को हलवा खिला देती है, साथ में ये धमकी भी देती हैं कि अगर वो वेदांत के सामने सारा सच नहीं रखेंगे, सारा सच नहीं बताएंगे कि वही कल्प्रिट हैं प्रभा से दूर करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, तब तक वो एंटीडोट नहीं देंगी और 10 मिनट के अंदर उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सुनते ही मानो कोयल के पैरों तली जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कोयल तो जीना चाहती है, वो कैसे भी करके चाहती कि वो ठीक हो जाए। जिस पर वो हड़बड़ी में वेदांत को फ़ोन तो लगाती है, लेकिन वेदांत सुन के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते और जल्दी जल्दी घर आने की कोशिश करते। अब यहाँ पे देखना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि स्वरा ने जो प्लान बनाया है कि वो ऐसे धमकी देकर वेदांत के सामने सारा सच उगलवा लेंगी, कोयल बोलेंगी या नहीं बोलेंगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला। वैसे आपको क्या लगता है, स्वरा अपने प्लान में कामयाब होंगी या कोयल और ध्वनि मिलकर एक बार फिर से स्वरा के प्लान पर पानी फेर देंगी, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। बेचारे वेदांत की तो मुसीबत मानो ख़त्म नहीं होती, एक तरफ बीवी है एक तरफ माँ है जिसमें वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वेदांत को उनकी कुछ बचपन की यादें सता रही है, उसे याद करके इमोशनल हो रहे हैं। दरअसल वेदांत मार्केट में गए होते जहाँ पर वो जा रहे होते हैं, दो बच्चों को दूर से देखते हैं कि वो खेल रहे होते हैं। वो बच्चों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं और दूर खड़े होकर उनकी बातें सुनते हैं कि आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं। बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी, हमारे पास खाना नहीं है, जब माँ आएगी तो हमको खाना खिलाएंगी। वेदांत बच्चों की ऐसी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि बेचारे ऐसे कैसे हैं। वो बच्चों को पैसा निकाल के देते हैं और कहते हैं जाकर कुछ खा ले। पैसा पाकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वेदांत को इन बच्चों को यानी वो लड़की को देखकर उन्हें अपने फ्लैशबैक याद आ रहे हैं, जहाँ पर जब वो छोटे थे तो उनकी एक बहन थी जो उनसे बिछड़ गई है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वेदांत पैसे देकर जा रहे होते हैं और इमोशनली अपने मन में कसमकश में होते हैं कि अगर आज मेरी बहन मेरे पास होती तो मेरे साथ होती और मेरी जितनी होती। कल देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस हिसाब से वेदांत अपनी बहन को याद कर रहे हैं, क्या उनकी बहन सच में आ जाएंगी, क्योंकि प्रभा जी तो घर में आ गई है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये दिलासा है कि उनकी बहन भी आ जाएंगी। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। वैसे आप लेटेस्ट ट्रैक के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कि इस तरह की अपडेट के लिए बने रहें टेली खजाना के साथ।